Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Malik Zulkar, Jaskol, Abshar, Chinari, Chikoti ke mukam se. Aaj ek martaba phir aapse mukhatib hoon. Main Freedom March ke shurka ne yahan par dharna diya hua hai, wahan par maujood hoon. Is waqt aap ye dekh sakte hain ke ek shurka ne dharna diya hua hai. तो अल्लाह कामयाब करे आपको, मेरी यही दुआ है। तो मैं बाकी लोगों को भी यही हिदायत करती हूँ, छुपना मत, मौत से कोई छुप नहीं सकता। घरों में मुर्दार होना से ज़्यादा ज़रूरी है शहीद होना। शहीद का मर्तबा अगर मिल जाए तो बड़ी नियामत है अल्लाह की। उन बच्चों को भी छुड़ाओ जो जियत में हैं, वो उनको भी छुड़ाओ। वो जो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ दुल्हन बनी हुई हैं, हिंदू दूल्हों को उठा के ले जाते हैं, कोई खुदा का खौफ करो। मैं इमरान खान को भी ये पैगाम देती हूँ कि सारी ज़िंदगी बादशाही भी नहीं रहती, सारी ज़िंदगी हुकूमत भी नहीं रहती, सारी ज़िंदगी ये काम करो, इन लोगों के लिए काम करो, इन बच्चों के लिए काम करो, उनको अज़ियत से छुड़ाओ। जी मामा जी, आप इतना पीराना साली में, यानी कि आपकी इतनी उम्र ज़्यादा है, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, जो रियासत के हिस्से की ख्वातीन अभी तक घरों में हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देने जाती हैं? क्योंकि ये तो धरना यहाँ पर ख्वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, और आप जैसी बूढ़ी अम्मा भी मौजूद हैं। जी, उनके लिए यही कहती हूँ मैं कि जिस तरह ये आई हैं, बच्चियाँ आई हैं, ये सब दुनिया आई है, वो भी निकलें, बाहर निकलें, हुकूमत को भी पता चले कि वाकया इन सब लोगों का जज्बा ऐसा है, एक मुसलमान है, इनके दिलों में रहम है। मैं तो कहती हूँ कि हुकूमत वालों को भी अल्लाह ताला दिलों में रहम डाले। जो उधर हमारी माँ बहनें इस वक्त 64 दिन है मैसूर है, जेल खाना में बंद हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है यहाँ के इस रियासत के हिस्से से? इंडिया में, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, मैं उनके लिए भी यही पैगाम देती हूँ कि अल्लाह ताला उन पे रहम करेगा, इंशाल्लाह उनको अज़ियत से रब छुड़ाएगा, उनको भी इंशाल्लाह छुड़ाएगा रब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थोड़ा जल्दी उनके बेटे अभी हम गए। ये क्या नाम जी आपका? क्या नाम है? मुबारकबाद, मेरा नाम है जी। जी, यहाँ सब से मेरा ताल्लुक रहा है और अभी तक उसी संभल के नीचे हम चल रहे हैं। तो 90 में यहाँ पर यह शुरका ने धरना दिया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और आप जैसी उम्र के जो अभी तक रियासत के इस हिस्से में घरों में लोग मौजूद हैं, उनके लिए क्या पैगाम? मेरा तो सबके लिए यही पैगाम है जी कि जिस तरह ये लोग पूरे आज़ाद कश्मीर से अपने घरों को छोड़ के उठ गए हैं कश्मीर की वहदत और आज़ादी के लिए, तो हम सब लोगों को घरों से निकल के इन लोगों का साथ देना चाहिए। और यहाँ जो मेरे भाई बैठे हुए हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जो धरने का प्रोग्राम बनाया है, हम बिल्कुल आपके शाना बशाना हैं, और अगर आप यहाँ 2 साल तक भी बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके शाना बशाना रहेंगे, आपकी तमाम ज़रूरियात हम पूरी करेंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि JKLF के साथ हम शाना बशाना होंगे,
جس طرح 90 میں ہم نے سیز فائر لائن کو پاؤں کے نیچے روندا تھا، ایک بار پھر ہم روندے۔ اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس دھرنے اور ان کا جو مقصد ہے اس کے لیے پوری قوم متحد ہے؟ انشاءاللہ جی، بالکل متحد ہیں ہم، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ کشمیر کی وحدت، کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہم سب یک جان ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ یہ سینئر رہنما ہیں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، تھوڑا ادھر صحیح جی جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ریاض صاحب؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو دھرنا دیا جا رہا ہے، اس دھرنے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کی مشکلات کو بھی کم کیا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سہولتیں بھی دی جائیں، اور ساتھ یہ کہ ریاست جموں کشمیر کے سینے کے اوپر جو قابض قوتوں نے ایک خونی لکیر کھینچی ہوئی ہے، اس کا فی الفور خاتمہ ہونا چاہیے۔ آر پار انسانوں کو ملنے ملانے کے موقع ملنے چاہیے، اور ریاست جموں کشمیر کے جو مہاراجہ ہری سنگھ کے دور کے قدرتی راستے ہیں ان کو فی الفور کھولا جائے، اور آر پار کے انسانوں کو جو 73-72 سالوں سے آپس میں جدا ہیں ان کو ملنے کا موقع دیا جائے۔ بہت شکریہ ریاض صاحب۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پر شکر ہے یہ دھرنا دیا ہوا ہے، آپ ان کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، دھرنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر بچے بھی ہیں اور وہ خواتین بھی ہیں، یہ آپ نظارہ کرتے جائیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ۔ ابھی صبح سے مزید جو قافلے ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، نعرہ مارو، نعرہ مارو، کس کشمیر کا خون سے دل جا، وہ کشمیر ہمارا ہے، ایسا لگ رہا ہے آج کٹے گی۔ آپ نظارہ کر سکتے ہیں، اس وقت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھرنے میں لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں پر شرکا جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں، آئیے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ جی جی، آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام دانش ثانیہ اور میرا تعلق کوٹلی سے ہے، اور ہم اس فریڈم مارچ میں آئے، ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سری نگر والوں کے ساتھ ہیں، سری نگر والے اکیلے نہیں ہیں، اور ہم اپنے ملک کی مکمل آزادی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جی جی، آپ کی عمر کی ابھی تک جو بچیاں ہیں اس خطے کی یہاں پر جی پہنچی ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی ہمارے جو ہیں، ہماری جو بچیاں تھیں انہوں نے ہمیں سی آف بھی کیا ہے، وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے بھی آئی ہیں، اور انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے ہمارا۔ اور جو گھروں میں ہیں ان کے لیے جو گھروں میں ہیں میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ جاننے کی کوشش کریں، آپ جانیں اس چیز کو کہ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس کو جانتی ہیں اور آپ کو ٹھیک لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ملک قبضے میں ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ یہاں پہ ہوں ہمارے ساتھ۔ جی جی جی، آپ کا کیا نام ہے؟ زبینہ بیگم۔ آپ کب سے یہاں پر ہیں؟ جی آپ میں چکوٹ ٹرین لے کے نام ہے انڈیا دیا۔ جی جی، یکجہتی کے لیے یہاں پر آئی ہیں؟ ہاں میں ماجر آسی 47 دے ماجر، ہاں انڈیا دیا۔ جی جی، یکجہتی کے لیے یہاں پر آئی؟ جی جی جی۔ ابھی ہم چلتے ہیں جموں کشمیر اسٹوڈنٹس، جموں کشمیر جے کے ایل ایف کی سابق سربراہ طاہرہ توقیر صاحب، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں دھرنے کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہمیں مورلی سپورٹ کریں، ہمارا جو یہاں سے میڈیا کوریج جا رہی ہے اس کو سپریڈ کریں پوری دنیا میں، اور جو اس طرح ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں وہ اگر سن رہے ہیں میرا میسج، تو وہ یہاں ہمیں جوائن کریں، ہمارے پاس پہنچے، یکجہتی کا اظہار کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ یہ کلیکٹیو سٹرگل ہے، یہ کسی فرد واحد کی جو ہے وہ جماعت نہیں ہے، فرد واحد کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ساری قوم کا یہی نظریہ ہے
कि हम मसला कश्मीर का हल चाहते हैं, कश्मीर जो है वो मसला कश्मीर के पहले फरीक हैं, उस नाते से हमें सफीर कश्मीर होने का जो है वो अपना किरदार अदा करने देना चाहिए और हम कोई किसी दूसरे मुल्क का जो है वायलेशन नहीं कर रहे हदूद की, हम अपने घर के एक हिस्से से चल के दूसरे हिस्से में जाने जा रहे हैं और हमें हुकूमत को जाने देना चाहिए यहाँ से। आपको यहाँ पर जाने नहीं देता, जो धरना यहाँ पर तिमिल होगा अगर हो जाए रफ्तू बार, तो उसके लिए आप क्या आपके अजान क्या आप इसमें के लिए रेडी हैं कि आप यहाँ पर बैठेंगे? बिल्कुल हम बैठेंगे, हम अपने भाइयों का हमारी तारीख इस बात की गवाह है हवाती जो JKLF के साथ हैं कि पहला 2013 में यासीन मलिक की 24 आवर की हंगर स्ट्राइक थी जिसमें मैं वाहद पहली खातून थी जो उनके साथ पूरे 24 घंटे के लिए अपनी छोटी 2 साल की बच्ची को लेके 24 घंटे की भूख हड़ताल में बैठी थी। तो खातून होने के नाते मैं यहाँ से हम लोग उठ के चले जाएँ ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी जमात बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब कारकुन जब तक यहाँ बैठे हैं हम भी उनके साथ उतनी देर तक यहाँ बैठेंगे। सर पैगाम यहाँ की खातिन जो अभी तक नहीं यहाँ पर तने पहुँची है और हमारी इस तरफ की माएँ बहनें जो इस वक्त जेल में बंद हैं उनके लिए पैगाम खवातीन जो यहाँ की हैं वो तो सुबह से आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून का वफद आया था, अभी एक मांझी भी आई थी, एक बूढ़ी खातून चौकोटी से आई हैं, इस तरह मुख्तलिफ खवातीन वक्फे वक्फे से यकजहती के तौर पे हमारे साथ आ रही हैं। तो पूरी जो सुन रही हैं जो आ सकती हैं खवातीन को यही मैसेज है कि हम आपकी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप हमारे साथ यकजहती के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ये आप की हमारी हम सब की आज़ादी का जो है वो कोशिश है, किसी फर्द वाहिद की नहीं है। चाहे जो उस तरफ बैठी हुई हैं उनके लिए तो वाजिया पैगाम है कि आप अगर तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हम भी आपके साथ उस दर्द को उस करब को महसूस कर सकते हैं, हम दामे दिमने सोने जो हैं वो आपके साथ हैं और देख लें हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आज आपके लिए। थैंक यू, आइए आगे हम आगे चलते हैं। नाज़रीन आपको कुछ आगे का नज़ारा कराते हैं। ये टेंट वगैरह लग चुके हैं यहाँ पर, हाँ बड़ी तादाद में लोग आ भी रहे हैं, यकजहती भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे क्या है, ये अभी देख लें कि आप ये तैयारी हो रही है कि जहाँ पर जो लोग आकर रहेंगे, क्योंकि सर्दी है माहौल भी ठीक नहीं है। ये एक हमारे भाई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? बिलाल कश्मीरी। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? श्रीनगर जाने के लिए। मैं करंटली मुजफ्फराबाद में रहता हूँ, मेरा ताल्लुक श्रीनगर से है। अच्छा, आप अपने जो आबाई इलाका है उसमें जाने के लिए आप बेताब हैं? बेताब, बेताब तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है जी जी। बेताब तो कोई लफ्ज़ ही नहीं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं आपको कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? आप यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे हम नाज़रीन चलते हैं कि आगे भी कुछ दोस्त अहबाब इन यहाँ शुरका के मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं और आगे के जो है वो आपको अगर दूर दूर देख सकते हैं तो देख सकें कि आप नाके भी लगे हुए हैं और वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। देख सकते हैं कि बहुत दूर तक ये वाम की एक कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद है और वो जो सामने आपको अगर नज़र आता हो चौकी है वहाँ पर कंटेनर लगा कर इस शाहराए श्रीनगर को बंद किया हुआ है। नहीं नहीं पता नहीं इसका शरीर जी। अभी ये कुछ शुरका के लिए कुछ खाने पीने की अशिया लेकर ले जा रहे हैं। आगे भी दोबारा चलते हैं हम धरने की तरफ। जी जी अभी हम चलते हैं इधर, यहाँ पर एक मारूफ सिंगर
हमारे सामने हैं जनाब आसिफ हाशमी साहब, आप काफ़ी दिनों से इस दर्रे में मौजूद हैं और रात को भी मुलाजिम ने आपको देखा है कि आप बड़े जोश बना रहे थे, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिंगर होते हैं, शायर होते हैं, अदीब होते हैं, उनकी कोई सरहद नहीं होती। और मैं हिंदुस्तान के सिंगर, शायर, अदीबों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ और पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनल सतह पे भी, जहाँ जहाँ पे भी ये लोग हैं, ये कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर की इस तहरीक के लिए सपोर्ट करें, इनके लिए आवाज़ बुलंद करें। ये कश्मीरियों का हक है, ये हक यूनाइटेड नेशन ने दिया है, ना कि पाकिस्तान, ना कि हिंदुस्तान ने। तो यूनाइटेड नेशन के ऑब्ज़र्वर यहाँ पर आएँ और दोनों मुल्कों से ये बात करें कि अपनी अपनी फ़ौजें निकालें और कश्मीरियों का जो बेसिक राइट है, ये हक है, उनको ये हक दिया जाए। ये हमारा पैगाम। जो आपको सबसे अच्छा तराना लगता है, प्यारी आवाज भी है, जिसको आप भी लाइक करते हैं और ये सामीन भी लाइक करते हैं, तो वो गुनगुना कर थोड़ा सा। सर मैं रात से गुनगुना रहा हूँ, मेरा गला बैठा हुआ आपको आवाज़ से लग रहा होगा, मेरे तो सारे तराने मुझे तो बैठा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकर आपकी आवाज श्रीनगर वाले सुनने के लिए मैं यह बताना चाहूँ आपको कि मेरे सारे तराने मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप ये नाजरीन पे है, सुनने वालों पे है कि उनको कौन सा तराना पसंद है, अच्छा लगता है। तो एक तराना मशहूर है जो सारे लोग बार बार डिमांड करते हैं इसके लिए, वो है जंजीर टूटने की आवाज़ आ रही है। और हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है कि इंशाल्लाह ये खूनी लकीर, ये जंजीर टूटेगी, कश्मीरी आपस में मिलेंगे, कर्फ्यू ख़त्म होंगे, दोनों मुल्कों की फ़ौजें यहाँ से जाएंगी, कश्मीर खुद मुख्तार होगा, ये हमारा ईमान है। तो उसके हवाले से चलो मैं एक आपको गुनगुना के सुना देता हूँ। वैसे जंजीर टूटने की आवाज़ आ रही है, जंजीर टूटने की आवाज़ आ रही है, हर दुश्मन वतन पर दहशत सी छा रही है, जंजीर टूटने की आवाज़ आ रही है, जंजीर टूटने की आवाज़ आ रही है, मंजिल करीब तर है, चलना संभल संभल कर, बिजली चमक रही है, पहलू बदल बदल कर, अपने लहू की मेहंदी अब रंग ला रही है, जंजीर टूटने की आवाज़ आ रही है, जंजीर टूटने की आवाज़ आ रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद ज़ौक दे। आप चलते हैं जनाब नाजरीन, हम थोड़ा सा पीछे यहाँ पर कुछ ख्वातीन धरने में मौजूद हैं, यहाँ पर आई हुई हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या नाम है उनका। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल से कृषि साहब आए, मेरे को जानता हूँ, तो आप इस धरने के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये हम इस मार्च के हवाले से ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा पुरमन मार्च है, फ्रीडम मार्च है, और हमें यहाँ पे रोका गया है, इंतज़ामिया ने हमें यहाँ पे रोक दिया है और यहाँ पे हम धरना लगा के बैठ गए हैं, और हमारे नौजवानों का जो जोश है वो अल्लाह सलामत रखे उनको, वो बिल्कुल पुरअज़्म है और आगे जाने के लिए वो सरबकफ हमारे साथ तैयार हैं, और हम लोग सर पे कफन बांध कर निकले हैं, इंशाल्लाह हम श्रीनगर की तरफ ज़रूर जाएंगे। लेकिन भाग से आई हुई हैं, तशरीफ लाई हैं, आपके साथ ख्वातीन भी आई हुई हैं, उनका क्या जी? हम 3 तारीख को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से निकले थे और आज 7 तारीख है, 4th रोज़ है, हम यहाँ पे, हमारे साथ ख्वातीन भी हैं, हम लोग अपने बच्चों को घरों में छोड़ के आए हैं, कोई ख्वातीन अपने बच्चों को साथ लेके आई हैं, और मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी साथ की तमाम ख्वातीन को, और जो ख्वातीन हमारे साथ नहीं हैं मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि आइए हमारे इस मार्च का हिस्सा बने। ठीक है घर संभालना औरत की जिम्मेदारी है, मगर उसके साथ साथ हमें आज़ादी खुद सड़कों पर निकल कर लेनी होगी, और सिर्फ लाइफ इसी का नाम नहीं है कि खाया पिया जिंदगी गुजार दी एंड ख़त्म, बल्कि हमने आज़ादी लेनी है, हम आज़ाद नहीं हैं, इसके लिए हमने अपनी ख्वातीन को भी अपने साथ मज़ीद बाहर निकालना है। क्योंकि यहाँ पर नौजवानों औरतों की ज़्यादा तादाद है, उसके वाले से औरतों को मसला परेशानी तो नहीं है? नहीं जी, अल्लाह का करम है, ऐसा कोई मसला परेशानी नहीं है, हमारे जवान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुहाफिज, हमारा फख्र, हमारा बाजू हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। आगे नाज़रीन चलते हैं आगे धरने की तरफ मज़ीद, जहाँ पर कुछ और लोग भी
یہاں پر موجود ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ کے یہ کچھ سامان وغیرہ جو درنے شرکا کے لیے کچھ لایا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چناری بڑیا بالا کی مغجور عوام، یہ کچھ سامان ان کے لیے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ابھی ہم چلتے ہیں اس دھرنے کے اندر، ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں، کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوانوں نے یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جی جی ابھی یہ کچھ سینئر لوگ موجود ہیں، ان کے لیے آپ جی ہمارے ساتھ یہ عابد ایوب ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سینئر رہنما جے کے ایل ایف ہیں اور ساتھ یہ قانون دان بھی ہیں۔ جی عابد صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس شرکا دھرنا کے حوالے سے یا فریڈم مارچ کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ شرکا دھرنا کے عزائم جو ہیں وہ انتہائی پختہ ہیں اور حشاش بشاش ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور منزل پہ کو حاصل کیے بغیر انشاءاللہ یہ واپس نہیں جائیں گے۔ بہت شکریہ جناب یاد صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا قافلہ جو چار دن پہلے چلا تھا یہ انشاءاللہ منزل پہ پہنچ کے ہی رکے گا۔ یہاں جو عارضی ہم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے، ہم ایک موقع دے رہے ہیں انتظامیہ کو، حکومت کو، کہ وہ اپنے عزائم کو درست کر لیں، چونکہ وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں، وہ کہ ان کی ذمہ داریاں کچھ ہیں، تو انشاءاللہ ہم منزل پہ پہنچ کے بھی رکیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ خواجہ سیف الدین صاحب، میں ان کو میں جانتا ہوں، ان کا نام یہی ہے۔ جی جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چار تاریخ سے ممبر سے شروع ہونے والا قافلہ جس جدوجہد اور جذبے کے ساتھ آزاد کشمیر بار سے ہوتا ہوا، مظفر آباد سے ہوتا ہوا، آج جسکول کے مقام پہ ہے، اور یہاں ہم اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انتظامیہ اور ہمارے درمیان کوئی تصادم نہ ہو، چونکہ ہم ایک بڑے مکار دشمن کی طرف یہ جدوجہد کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس تسلسل میں ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے عوام، اپنے لوگ، اپنے ریاست کے لوگوں کو کہیں نقصان نہ پہنچے، تو ہم اپنا اہداف پورا کرنے میں انشاءاللہ کم سے کم وقت میں انشاءاللہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سری نگر کی طرف مارچ دوبارہ باہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک علماء کرام موجود ہیں، جی آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام محمد حسین، جی ڈسٹرکٹ پونچھ سے تعلق ہے۔ آپ کا چونکہ مسجد گاؤں میں تعلق لگتا ہے، تو اس کے حوالے سے جو علماء کرام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ اس فریڈم مارچ کا، چونکہ دیکھیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا یعنی دینی لوگ جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہیں، یہ ہم سارے مسلمان ہیں اور سارے اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور علماء جی 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 دیکھیں کہ علماء دین جو ہے نا وہ مکمل طور پر جو ہے نا جو کشمیری ہیں وہ مکمل جو ہے نا ہمارے ساتھ ہیں، مجبوریاں ہیں، اور اس میں یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ایک ایک آدمی کے پیچھے دس دس ہزار آدمی موجود ہے، یہ نہیں خالی یہاں پہ جو ہے نا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں چکوٹی تک جتنا اپریشیٹ جو ہے نا اس مارچ کو ہوا ہے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی، اس کے پیچھے جو ہے نا یعنی پورے گاؤں کے جو ہے نا جو ہمارا جو ہے نا یعنی معاملہ ہے ان کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو ہے نا یعنی اپنے بھی مفاد پہ جو ہے نا یعنی قربان کریں۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک موجود ہے، ابھی یہ دیکھ کے ریلی نکلی ہوئی ہے، ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے، جینا ہوگا مرنا ہوگا۔
हम क्या चाहते आजादी हम क्या चाहते आजादी जैसे खाली कर दे इसको ये जगह आप खाली कर देते ये बच्चा गिरोगे आप घर बोली करो 600 का बंदा पूछा दियो भाई भाई ध्यान से कितने करोगे सर ये अभी डॉक्टर तो जलानी साहब आए हैं जम्मू कश्मीर विश फ्रंट के जरूर सदर पीछे करो क्योंकि वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इसलिए अभी उन्होंने कुछ एक मिनट थोड़ा सा रास्ता दे दिया अभी चूँकि उन्होंने वो कहा है कि 2 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद आपको बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम को शुरका को आगाह किया जाएगा जी जनाब जी जी अभी हमारे साथ अगर रफीक दार साहब चूँकि मैं रात को उनको तलाश कर रहा था वो बहुत थके हुए थे तो अगली शुरकाए दफ्तर और फ्रीडम मार्च के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं चूँकि रात को बहुत थके हुए थे तो अभी मौका मिला है तो इसके हवाले से आप अपने ख्याल का जी बिल्कुल हम पुरअज़म हैं हम बिल्कुल पुरअज़म हैं सीज़ फायर लाइन तोड़नी है अगरचे अभी हुकूमत ने रुकावटें नहीं हटाई तो इसलिए अगला लाइअमल भी क़यादत ने तय किया है अभी ही थोड़ी देर के बाद उस लाइअमल का ऐलान होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लेकिन ये बात हम वाज़ह कर देना चाहते हैं कि इस खूनी लकीर को कश्मीरी कौम ने कभी तस्लीम नहीं किया ना आइंदा कभी इस सीज़ फायर लाइन को तस्लीम करेंगे और इसको क्रॉस करना आर पार जाना किसी भी कानून की नज़र में हर सूरत में आज नहीं करना है रियासत को जुड़ कश्मीर को आज़ाद होना है बहुत करीब आ चुका है कश्मीरी कौम आर पार अब आहिस्ता बोल बटकी थी जो अब चलते हैं हम साजिद सदीकी साहब जी आपका बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब फ्रीडम भी हैं आपके सामने है कि ये मार्च जो 4 अक्टूबर सुबह सात आज इसका 4th दिन है जो इस वक्त के साथ एक अज़म के साथ इस जज्बे के साथ बैठे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम इस सारी रुकावटों को अबूर करके जो हमारी तयशुदा डेस्टिनेशन है श्रीनगर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे जी बहुत शुक्रिया साजिद हम थोड़ा सा इस ब्रेक करते हैं और कुछ देर के बाद हम कोशिश करेंगे दोबारा आपको जो यहाँ का मौजूदा सूरत हाल है वो आपको बताया जाए